Okay, so we had started with this story, the fun they had, right? And I guess in the last session, we looked at the sex. I mean, we looked at how, Tom had discovered this new book. Oh, sorry, Tommy had discovered this book in his attic, right? और ये बुक जो है वो कई जेनरेशंस पहले के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में जो है, पढ़ाई के सिस्टम के बारे में जो है उन लोगों को बताता है. और एक तरफ जैसे वो जहाँ ये लोग वो लोग इसे काफ़ी अनयूजुअल पाते हैं, राइट? उन्हें ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि कैसे जो है ये एक पूरी बुक जो है उसमें सिर्फ वही टेक्स्ट जो है बार बार अपीयर होता है, वो चेंज नहीं होता है कभी भी, राइट? इट मस्ट बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड सोर्स. किस तरह से सभी बच्चे जो हैं उनके बेडरूम में उनके पर्सनल मैकेनिकल टीचर्स नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को जो है एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में जाना पड़ता है जहां उन्हें साथ बैठ के जो है पढ़ाई करनी पड़ती है. दे फाइंड इट रियली अनयूजुअल, राइट? एंड इट मेक्स यू थिंक अबाउट समथिंग. इट मेक्स यू वंडर व्हाट इज द आइडिया ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. ओके, वी कैन वी कैन लुक एट दिस इन दिस सेंस कि ये क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल. जैसे अब यहाँ पर देखो, जब ये लोग उसमें बात करते हैं तो यहाँ पर जब स्कूल वगैरह की बात होती है और बिल्डिंग की बात होती है, और जब टॉमी बोलता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. सवाल क्या होता है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, राइट? इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि अभी के टाइम में अगर आप बात करो, वेल दिस इज क्वाइट नॉर्मल. ऑफकोर्स अ मैन, आई मीन ह्यूमन बींग्स आर द टीचर्स राइट नाउ, राइट? इवन आई एम अ ह्यूमन बींग एंड आई एम टीचिंग यू हियर, राइट? एंड देयर आर सो मेनी लाइक अस, अरंट देयर. लेकिन वहां पर क्या है, उस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जिसके बारे में ऑथर यहाँ पर बात कर रहा है उसके लिहाज से ये काफी जो है एबनॉर्मल, अनयूजुअल है, राइट? सो दैट वे यू कैन से दैट आइडिया ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज नॉट यूनिवर्सल, इट चेंजेज विद टाइम एंड प्लेस, राइट? कोई भी जो भी चीज आपको नॉर्मल लगती है ये यूनिवर्सल, इसके साथ कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं ऐड कर सकते हैं. शायद नॉर्मल जो आपके एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में है, शायद वो जो है आज से 20 साल 25 साल बाद नॉर्मल ना रहे. ओके, या फिर हो सकता है कि जो आपके यहाँ नॉर्मल है इट माइट नॉट बी नॉर्मल इन सम अदर कंट्री, इन सम अदर कंटिनेंट, इन सम अदर कल्चर, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दिस अ स्टोरी, एंड इट्स वेरी क्लेवर वे ऑफ शोइंग दैट कि कैसे जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल जो हम लोग जज करते हैं और जिसके आधार पर हम लोग जो है अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ये जो है ऐसा कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है. एनीवेज, जब ये सवाल उठता है कि आई मीन एक आदमी भला कैसे टीचर हो सकता है, तो टॉमी एक्सप्लेन करता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, अ मैन इजंट स्मार्ट. वो बताता है, टॉमी एक्सप्लेन करता है कि वेल वो आदमी जो टीचर जो होता था वो लड़के लड़कियों को जो है चीजें बताता था, फिर उन्हें जो है होमवर्क दिया करता था, राइट? और फिर जो है उनसे सवाल पूछता था, और इस पर जो है क्वेश्चन रेज होता है फिर से. मार्जी क्या क्वेश्चन पूछती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वही एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है. और फिर टॉमी जो है रिटॉर्ट करता है, टॉमी जो उसका जवाब देता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. ओके, टॉमी जो जवाब देता है कि भाई बिल्कुल आदमी जो है वो जानता है, एक आदमी जो है जरूर इतना स्मार्ट है, मेरे पापा को इतना पता है जितना कि मेरे टीचर को पता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू. ओके, बेचा मतलब आई बेट बेसिकली इन अ वे, ठीक है ना? तो ये जो है एक इनफॉर्मल वे है कहने का, आई बेट, तो आई बेचा. ओके, तो यहाँ पर ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, वो दावा लगाता है कि लगभग उतना तो जरूर पता है उनको. नाउ मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अभी उसको जो है उस टाइम, आई मीन जो जिस फ्यूचर में वो है वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, उसको अभी भी जो है पास्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पूरा नहीं पता है. वो जो है इस बात को डिस्प्यूट करने के लिए तैयार तो नहीं है ना कि नहीं तुम्हारे पापा इतने स्मार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसने क्या किया, उसने जो है ये आर्ग्यूमेंट दिया कि एक आदमी जो है वो मशीन टीचर या मैकेनिकल टीचर की इतना स्मार्ट नहीं हो सकता.
और यहाँ पर जो है देखो ये भी जो है एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स का एक तरीका होता है, या कहते हैं रीजनिंग का एक तरीका होता है, क्योंकि उसने हर एक आदमी के लिए बात कही। तो टॉमी के सब सबूत देता है कि वेल एक्चुअली माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर और ऑलमोस्ट एज मच, राइट, बिकॉज लाइक शी इज रेफरिंग टू ऑल द मैन, एंड इन दैट केस आई मीन इफ शी इज रेफरिंग टू मैन हिज फादर इज ऑल्सो अ मैन, राइट। नाउ इफ मार्जी डिस्प्यूट्स कि भाई तुम्हारे पापा उतना नहीं जानते, तब तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो एनीवेज वो अगला आर्ग्यूमेंट देती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, बोलते मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं चाहूंगी, आई मीन होना नहीं चाहूंगी पढ़ाने के लिए। एंड टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो है बिल्कुल एकदम से जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुमको ज्यादा पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो है वो घर में रहता नहीं था। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, सो टॉमी इज रेफरिंग टू नॉट एज एक्चुअली क्लास, बेसिकली अगर सब एक क्लास में होंगे तो एक चीज सीखेंगे। एंड देन बट माई मदर सेज अ टीचर हैड्स टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी जो है अपनी मदर का आर्ग्यूमेंट देती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को जो है हर एक लड़के या लड़की के माइंड के हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ता क्योंकि हर एक बच्चे को जो है अलग तरीके से पढ़ाने की जरूरत होती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लाइक वेल कोई बात नहीं, वो इस तरीके से उस टाइम में नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, टॉमी बोलता है अगर तुमको नहीं पसंद है तुमको ये बुक नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। और फिर मार्जी जल्दी से बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी तुरंत बोलती है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. उन्होंने आधा भी बुक नहीं खत्म किया था कि Margie की मदर ने आवाज दी, Margie, school का टाइम। Margie looked up. Margie जो ऊपर देखती है, not yet, mama. तो अभी नहीं, mama. Now, said Mrs. Jones. Mrs. Jones थी, अभी. And it's probably time for Tommy too. और शायद ये टॉमी का भी टाइम है पढ़ाई करने का. Margie said to Tommy. Margie जो टॉमी को बोलती है, can I read the book some more with you after school? क्या मैं थोड़ा और ये बुक आपके साथ पढ़ सकता हूँ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. Okay? तो टॉमी जो है ज्यादा इंटरेस्ट या उत्साह दिखाए बगैर जो है केयरलेसली बोलता है हाँ ठीक है हो सकता है। He walked away whistling. वो जो है विसल करते हुए सिटी बजाते हुए वहां से निकल गया। The dusty old book tucked beneath his arm. और जो वो धूल लगा हुआ जो पुराना बुक है वो उसके आर्म के बीच में टंगा हुआ है। Margie went into the school room. Margie जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है। It was right next to her bedroom. ये बिल्कुल उसके बेडरूम के ठीक बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन है और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा ऑन रहता था, ठीक है, हर एक दिन उसी टाइम, ये हमेशा उस टाइम में जो है हर एक दिन जो है ऑन रहता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उसकी मदर कहती है कि छोटी बच्चियां जो है वो बेहतर सीखती हैं अगर वो रेगुलर टाइम में सीखती है। The screen was lit up and it said, screen जो है वो जल रहा था और इस पर लिखा हुआ था, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the paper slot. आज का arithmetic lesson जो है वो proper fractions के addition पर है, well आप लोग बताती है, please जो है कल का homework जो है वो proper slot में डालिए। क्या मैकेनिकल तरीका है। मार्जी डिड सो विद अ साय, मार्जी बेचारी आह भरते हुए ऐसा करती है। अब बता दो, तुम लोग अगर होमवर्क देने के लिए कहा जाता है तो कम से कम 5 बार तो खड़ा होने के लिए बोला जाता है, खड़े हो जाओ होमवर्क दे दो, और उसके बाद आप लोग कितने क्रिएटिव बहाने बनाते हो, है कि नहीं, कि सर लाइट नहीं थी, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होता है कि पता नहीं था, या भूल गए थे, या कॉपी खत्म हो गया था, पेन में इंक नहीं था, कभी कभी ऐसा होता है सर मैंने काम किया था लेकिन मेरे छोटे भाई ने फाड़ दिया, पड़ोसी की गाय ने खा लिया। दे आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, राइट, एटलीस्ट क्रिएटिविटी होती है, चैलेंज होता है। यहाँ पर क्या है, सिंपल इंस्ट्रक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और स्लॉट में डाल दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साय, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी
क्योंकि उनके पास हुआ करता था जब उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे अभी जो जितने भी बच्चे थे पूरे नेबरहुड से सब आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते और चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ बैठते हुए, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन खत्म होने पर एक साथ घर जाते हुए। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक ही चीज सीखते थे और इसलिए वो जो है एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क में, इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी जो है वो सोच रही थी कैसे जो है बच्चों को मजा आता होगा उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो जो है सोच रही थी उस मस्ती के बारे में, मजे के बारे में जो कि उन लोगों ने एंजॉय किया। उन लोगों मतलब क्या है, उसके जब उसके दादाजी के दादाजी जो जिनके बचपन में जो है स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी और सारे बच्चे जो थे वो वहाँ पर पढ़ने जाते थे। सो वेल दिस इज द स्टोरी, और ये स्टोरी जो है सिंस इट इज यू नो लाइक बेस्ड इन अ फ्यूचर टाइम फ्रेम, ओके, इट एक्चुअली यू नो लाइक अलाउज यू टू अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ यू नो लाइक करेंट स्कूलिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, क्योंकि खास करके अभी लॉकडाउन में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि वाइल यू नो लाइक पीपल कैन स्टडी एट होम, ठीक है, घर पे पढ़ा जा सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड यू नो लाइक मोर पर्सनलाइज्ड लेसन्स कुड बी सर्व्ड, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लेसन्स वगैरह भी सर्व किए जा सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा। एक्चुअली द यू नो लाइक द ब्यूटी ऑफ यू नो लाइक कमिंग टुगेदर टू अ प्लेस, हैविंग यू नो लाइक इंटरेस्टिंग टॉक एंड एवरीथिंग, थोड़ा मस्ती वगैरह, मिलना जुलना, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई के मजा को जो है और बढ़ाता है। इट एक्चुअली एड सम फन फैक्टर टू योर स्टडीज, टू योर एजुकेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट ऑल्सो अलाउज यू टू लर्न समथिंग अदर दैन वॉट इज इन द करिकुलम, वॉट इज इन योर बुक्स। So well, that is it for this chapter. Okay, I hope that you understood it well, and now you can, you know, like answer some questions based on this, right? Thank you.